फिलहाल हम भाई खेड़ी चोपटा तहसील के सामने, आप लोग पीछे देख रहे होगे, पिछले 42 दिन से किसानों का धरना चल रहा है। किसानों की मांग है मुआवजे की, भाई उनको मुआवजा दिया जावे। और अब इस समय जो भारत में जस का मामला चल रहा है, पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया जस के मामले ने, और जो जाँच हुई है जाँच पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठे हैं कि जाँच निष्पक्ष नहीं हुई है, और लगातार परिवार की मांग है कि CBI जाँच हो। तो कविता आर्या जी है जो एडवोकेट है, इनसे बातचीत करेंगे जस के मामले को लेकर, और जो आज ये यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे किसानों से। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कविता जी, क्या कहना चाहोगे आप? पिछले 42 दिन से यहाँ किसानों का धरना चल रहा है और सरकार है जो किसानों की बात मान नहीं रही है, किसानों की मांग है मुआवजा इनको दिया जाए, क्या कहोगे आप? देखिए, जो BJP सरकार और JJP जो सरकार है वो हठधर्मी, इतनी हठधर्मी है कि हमने पिछले दिनों देख ही लिया कि 13 महीने तक हम वोटरों के ऊपर बैठे रहे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाकों तले चने चबा करके, उन्होंने कानूनों को वापिस भी लेना पड़ा मुँह की खा करके, और उन्होंने सारी चीज़ें माननी पड़ी किसानों की, और वही चीज़ आज खेड़ी चोपटा के किसानों के साथ है मुआवजे को लेकर के किया हुआ है कि उनको कोई चिंता नहीं है कि आज तहसील परिसर कार्यालय में कोई काम नहीं हो रहा और सरकारी काम इतने रुके हुए हैं, और उनको किसी तरह की चिंता ही नहीं है कि किसानों का और आम आदमी का काम चौपट हो रहा है। क्यों ना किसानों की मांग जल्दी से पूरी कर ले, क्योंकि उनको माननी तो पड़ेगी। ये ना सोचें कि उनको माननी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये किसान कौम है, ये जब तक धरने प्रदर्शन करती रहेगी तब तक इनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी। जी कविता जी, आप एडवोकेट हो, एक मामला चल रहा है जस का मामला, जो करनाल में 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेकर क्या कहोगे आप? एडवोकेट हो, कहीं ना कहीं उसकी चाची अंजलि पर आरोप लगे हैं हत्या के। देखिए, इस तरह के मामलों में मेरा तो यही कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो एक छोटे से बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हमारे लिए भी दुखदायक बात है। तो उसमें जो दोषी हैं, उसमें चाहे चाची हो चाहे कोई भी हो, उन दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए और उनकी अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए। जी देखो कविता जी, आप भी एक महिला हो और महिला पर ही आरोप लगे हैं हत्या के, जो खुद प्रेग्नेंट है 2 महीने से, एक महिला इतनी निर्मम कुकर्म जो किया उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो गलती करता है तो उसको भुगतनी पड़ेगी। अगर वो निर्दोष है तो वो अपने आप ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे और बताए जो उसमें जो बीती है, तो उससे अगर वो निर्दोष है तो वो बाहर हो जाएगी, अगर वो दोषी है तो देखो सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो ठीक है, धन्यवाद। फिलहाल खेड़ी चोपटा तहसील में हाँ, तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।